शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लगता है इन्होंने ये ग्लास से पानी पिया है और ये कांच के टुकड़े इनके पेट में चले गए जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। परी क्या हुआ सौम्य? परी तुम इस थर्मोस से पानी नहीं पियोगी। क्यों? क्योंकि एक बार ऐसे ही थर्मस से पानी पीकर तुम्हारी जान को खतरा हो गया था। वो एक बुरा वक्त था जो बीत चुका है, अब मुझे कुछ नहीं होगा। आपकी परी को कुछ नहीं होगा। क्या बात है बेटा, घबराए हुए नजर आ रहे हो। हाँ दादाजी, पता नहीं मेरा मन क्यों डरा सा है। पर इस घर में मेरी जिम्मेदारी है, अगर उसे कहीं कुछ हो गया था तो मैं क्या करूंगा। दिल छोटा मत कर बेटा, कुछ नहीं होगा उसे। अरे तेरा सच्चा प्यार, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, क्या हो सकता है परी को। और देखना, एक दिन उसकी याददाश्त भी वापस आएगी, ये मेरा दिल कहता है। बेटा मैं बार बार तुझसे कहता रहा हूं कि हमेशा जीत सच्चे प्यार की ही होती है, इसलिए दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, जब से इस घर में आई है सब पे अपना जादू चला कर रख दिया है, सिवाय हमारे और आपके है कोई और इस घर में जिस पर परी जादू ना चला हो। दादाजी, सेठ जी, रघु काका और सोम भैया पहले से पागल हो चुके इस परी पीछे। भगवान कसम, हमारा मन बहुत घबरा रहा है, अब जल्दी से जल्दी कुछ कीजिए वरना आपके जयराम जी के होना निश्चित। मतलब आप समझ रही ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ चमेली, समझ रही हूँ मैं, सब समझती हूँ मैं, बस तू देखती जा मैं कैसे उस परी के जादू को एक पल में खत्म करती हूँ। का कैसे, मतलब का कोई प्लान आन बनाया का? इंसान का कब कहाँ कैसे एक्सीडेंट हो जाए ये कौन कह सकता है, और एक्सीडेंट में मौत भी तो हो सकती है ना। मतलब का परी का एक्सीडेंट और फिर जयराम जी की? हाँ, और मेरे बेटे के सर पे जो ग्रहण है ना वो भी खत्म। लेकिन ये परी का एक्सीडेंट होएगा कैसे?
समझ गए। बस एक बात का ध्यान रखना होगा हमें, जब तू ये सारा काम करेगी मुझे घर वालों की नजरों के सामने रहना पड़ेगा, ताकि कल को कोई मुझ पर उंगली ना उठा सके। अब एक काम करिए, आप उसकी आंखों के सामने रहिए जिससे सबसे ज्यादा खतरा है, मतलब आदित भैया। आप समझ रही है ना, उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, मेरे साथ रह रहकर तू भी दिमाग वाली बातें करने लगी है। थैंक यू। ये माना कि परी की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन किस्मत और वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी मैं वो फाइल देख लूंगा जी। मैं आपको बाद में फोन करता हूं। शादी के बाद पहली बार यहाँ रुकने आए हो, सब ठीक तो है ना बेटा? तुम्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है? यहाँ बैठो ना। ये तो खुद ही किचन जा रहे हैं, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। सच कहते हैं, जहां मौत लिखी होती है वहां इंसान खुद ही खींचा चला जाता है। जाओ जाओ परी, अब तो हो गई तुम्हारी जयराम जी की। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। फूल के लिए चलो दिखाएं।
फुर्सत मिलेगी तो देख लो। अरे फूल है, फुर्सत का इंतजार थोड़ी ना करेंगे, मुरझा जाएंगे। वो कहा है ना कि आजकल बाहर गार्डन की सारी देखभाल हम करते हैं, और हमारा नाम भी चमेली है तो हमें फूलों का बहुत शौक है। चल चल गार्डन दिखाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन परी दीदी है कहाँ? मैं यहाँ पे हूँ शाना। मर गए। परी दीदी आप क्या बना रही है? दादाजी के लिए हलवा बना रही हूँ। हलवा सीखना तो मुझे भी है। परी दीदी आप मुझे हलवा बनाना सिखाएगी? सेठानी जी वो वो किचन में बहुरानी और इसाना हलवा बना रहे हैं। हाँ हम भी जरूर खाएंगे, लेकिन चमेली मुझे नहीं लगता कि उन दोनों में से किसी को पता है कि ड्राई फ्रूट्स का डब्बा कहाँ रखा है। अब चलो मैं चल के बता देती हूँ, तुम बैठो मैं उन दोनों को हेल्प कर देती हूँ। जल्दी चलिए वरना हलवा बन जाएगा। अगर इसके गिरने के पीछे कुछ और ऐसी वैसी बात हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये बात तुम अपनी सेठानी जी को भी बता देना कि मैंने ऐसा कहा है। हर काम मेरा होते होते रह जाता है, लेकिन बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे पहले उस परी की वजह से सिर्फ मेरे बेटे के सिर पर मौत मंडरा रही थी, लेकिन आज बेमौत मारी जाती। नहीं चमेली, मैं अपने बच्चों पर आज नहीं आने दे सकती। नहीं, मैं अपने बच्चों पर आज नहीं आने दे सकती। मुझे सावधान रहना होगा और उस परी को मारने के लिए ऐसा पुख्ता इंतजाम करना होगा कि वो बची ना पाए। स्ट्राइकर कहाँ गया? ये मेरे पास, ये लीजिए। रघु जल्दी करो ना, अभी सबको बुलाता हूँ। आज हम लोग कैरम का मैच खेल। ए काम चट्टी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? हम लोग मैच खेलने जा रहे हैं, हाँ? हमारे चाय कॉफी और नाश्ते वगैरह का ख्याल रखो। रघु जी मालिक, याद है हम लोग इसी तरह से कैरम का मैच खेला करते थे? बस ऐसी छोटी छोटी बातों में
परी की यादों को ढूंढना है। जी। परी बेटा, सौम्य, अभय, आदित्य, ईशाना, आ जाओ सब लोग, जल्दी से आ जाओ। कैरम का मैच होगा आज, देखते हैं कौन जीतता है। वाह! आ जाओ बेटा। क्या बात है? कैरम की मैच। चलो हो जाए फिर। हाँ, चलिए। कौन किस तरफ रहेगा? बाबूजी, काम करते हैं। आप और सौम्य एक तरफ और मेरी बहू और बेटी एक तरफ। मतलब मेन वर्सेस वुमेन। दैट्स राइट। स्ट्राइक कौन करेगा? हम। अरे तुम कैसे कर सकती हो, सीनियर मैं हूँ, आई एम हेड ऑफ द फैम। अरे बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ आओ बैठो हमारे साथ। ए, तो अभी तक यही खड़ी है, गई नहीं? चल रसोई में जा, अपना काम कर। चलो रसोई में जा। देखो काम छोड़। क्या किस्मत लेकर आई है, हारना तो लिखा ही नहीं है इसकी किस्मत में, जीता ही रही है वो यहाँ भी। पति है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चीटिंग का हक मिल गया। पति है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चीटिंग का हक मिल गया। सॉरी मानव, लेकिन दानी माँ के फैसले के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाया। डोंट वरी आदित्य, डोंट वरी। देखो आदित्य, मैं इंतजार कर सकता हूँ, आई कैन वेट, लेकिन मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि परी मेरी होगी ना? ऑफ कोर्स या, ऑफ कोर्स या। थैंक्स आदित्य। और देखो आदित्य, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आदित्य, मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम किस पोजिशन में हो, पर तुम समझ रहे हो आदित्य। देखो, मुझे परी की चिंता है, वो जहां पर रह रही है उसके लिए सेफ नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस। मुझे लगता है वो लोग उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं आदित्य। तभी तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं मेरी बहन पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब सिर्फ 3 दिन की टेंशन है, उसके बाद सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। बस ये 40 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारी और परी की शादी करवा दूंगा। तुम्हारी और परी की शादी करवा दूंगा।